कस्बा सौंप में डीएपी खाद न मिलने के कारण किसान परेशान है। किसान 3 दिन कोऑपरेटिव बैंक में खाता न मिलने के कारण भूखे प्यासे इधर उधर भटक रहे हैं। किसानों का कहना है कि सचिव ने खाद को ब्लैक कर किसानों को परेशान किया जा रहा है। किसानों ने सरकार पर आरोप लगाए हैं कि किसान को ब्लैक में देखा जा रहा है, प्राइवेट दुकानों पर महंगा मिल रहा है, फसल सीजन के टाइम पर भी किसानों को खाद नहीं मिला तो खेत बंजर रह जाएंगे। इसका उग्र आंदोलन के लिए वह किसान तैयार भी है। किसानों ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए हैं कि किसानों ने प्रशासन से कई बार गुहार कर शिकायत भी लगाई है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं की जाती है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर 2 दिन में खाद नहीं मिला तो वह रोड पर जाम करेंगे और उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। भैया क्या नाम आपका? सर मेरा नाम लवकुश है। कहाँ के रहने वाले हो? लोरिया पट्टी। क्या समस्या है? समस्या ये है सर, यहाँ के जो सोसाइटी अध्यक्ष है तेज सिंह जी, उन्होंने 3 दिन से किसानों को सभी को परेशान कर रखा है और यहाँ पर लाइन लगा रखी है। किसान सुबह से भूखे हुए हैं और सुबह 6 बजे से लाइन लगा रखी है और यहाँ पर पहले बछगांव की खाद बटा है, उसमें लोरिया को अलग कर दिया है, अपनी सिंगा पट्टी को अलग कर दिया है, अब यहाँ पर खाद आ गया है। खाद को ये ब्लैक कर देते हैं रात में, ठीक है, रात में ब्लैक कर देते हैं पूरे कट्टे की। अभी ये पूरी बात बता नहीं सकते हैं कि भाई हमारे पास में इतना स्टॉक आया है 450 को, इन पे 450 का रिकॉर्ड निकलवा के दिखाओ, ये ब्लैक कर देते हैं राजस्थान के लिए। यहाँ पर कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। किसान सभी परेशान है, सुबह से सभी परेशान है। दो तीन बार हंगामा हो चुका है। अपने जानकारों को ये दे देते हैं खाद के लिए। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारा समाधान हो, हमें समय से खाद मिल जाए जिससे हम अपनी बुवाई टाइम से कर सकें। नाम ननुआ राम, कहाँ के रहने वाले? गाँव अखा। अरे क्या समस्या है सहकार समिति पर? समस्या जी है कि हम परेशान हैं, 3 दिन हो गए और इन्होंने 150 कट्टा रात में चोरी करी है, गायब कर दिए और चेकिंग करी जाए। हमें आप लोगों को खाद नहीं मिल रहा है? ना मिल लो तो बुला रहे कुमार है। क्या मांगे आपकी? हाँ आज यही है, खाद मिलना चाहिए सभी भाइयों को, बीज की जरूरत, बीज भी मिलना चाहिए और ये प्राइवेट दुकानों पर सुकंजा होना चाहिए जो 70 से। सुवर सिंह, क्या समस्या है? यहाँ पे समस्या ये है कि 3 दिन से किसान इसी तरीका से मारे मारे ढूंढ रहे हैं। कभी लाइन लगवा लेते हैं, आधार कार्ड ले लेते हैं और फिर कहते हैं कि भाई 1800 में क्यों नहीं ले रहे हो, क्यों 1800 का बाहर बिक रहा है और यहाँ 1200 का बिक रहा है, यहाँ क्यों भीड़ कर रखी है? ये लोग इनको सबको निकाल के राजस्थान को बेच देते हैं 1800, इसलिए ये खाद की किल्लत हो रही है और सुनने वाला कोई है नहीं। बीजेपी सरकार यहाँ पे फैले, इसका मतलब जगह बीजेपी की सरकार में ऐसा गदल होता ही चला जाएगा। किसान नबते जा रहे हैं, किसान नबते जा रहे हैं, या फिर जो कह दें कि भाई खेती को मत बेचो तो किसान खेती नहीं बेचेंगे। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं हमको टाइम से और खाद बीज मिलना चाहिए। जब किसी को खाद नहीं मिलेगा, बीज नहीं मिलेगा तो किसान फिर रोड पे बैठेंगे और रोड पे नहीं करेंगे, लूटमार होगी। लूटमार कहते हैं।